जय श्री राम जी, जय शनिदेव। आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष की जानकारी के लिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कोई भी उपाय करने से पहले एक बार सलाह अवश्य लें। आज का विषय है कुंभ राशि के ऊपर शनि की साढ़सती का पहला चरण। शनि की साढ़सती कुल 7.5 साल की होती है, तो आज का जो हम विचार करने जा रहे हैं वो शनि की साढ़सती के पहले 2.5 साल का हम विचार कर रहे हैं। तो पहले 2.5 साल शनि साढ़सती का पहला चरण कुंभ राशि के ऊपर कैसा रहेगा, उस विषय के ऊपर विचार करते हैं। तो कुंभ राशि के जो नाम अक्षर हैं वो इस प्रकार हैं, गु के गो सा सी सु से सो और दा, जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है उनकी कुंभ राशि होती है। और कुंभ राशि जो है शनि की अपनी राशि है और श्रेष्ठ राशि है। कुंभ राशि के ऊपर शनि की साढ़सती तब शुरू होती है जब शनि गोचर में मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो मकर राशि भी शनि की अपनी ही राशि है। शनिदेव 24 जनवरी 2020 को मकर राशि में प्रवेश करेंगे और मकर राशि में प्रवेश करते ही कुंभ राशि के ऊपर शनि की साढ़सती जो है वो शुरू हो जाएगी। मकर राशि में शनिदेव 2.5 साल तक रहेंगे, 24 जनवरी 2020 से 29 अप्रैल 2022 तक शनिदेव जो हैं मकर राशि में रहेंगे। उसके बाद कुछ समय के लिए बकरी होकर राशि बदल देंगे, लेकिन फिर से 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक शनि की साढ़सती का पहला चरण कुंभ राशि के ऊपर रहेगा। तो कुल मिला के शनि जो है 2.5 साल तक एक राशि के ऊपर रहता है। तो कुंभ राशि के ऊपर शनि की साढ़सती जो है 24 जनवरी 2020 से शुरू हो रही है और समाप्त होगी 17 जनवरी 2023 में। जिन जातकों की कुंडली में शनि लग्नेश हो, पंचमेश हो और भाग्येश हो और कुंडली में तीसरे छठे या 11वें भाव में विराजमान हो, उनको शनि जो है साढ़सती में शुभ फल प्रदान करता है। उनको ज्यादा कष्टों का सामना करना नहीं पड़ता, उनके लिए शनि शुभ ही रहता है, मंगल ही रहता है, मंगलदायक ही रहता है और लाभदायक ही रहता है। ऐसे में सुख संपत्ति की वृद्धि होती है, धन लाभ होता है, व्यापार से लाभ होता है और सभी प्रकार की खुशियां जातक को मिलती हैं जिनकी कुंडली में शनि पंचमेश नवमेश या लग्नेश होकर तीसरे छठे या 11वें भाव में विराजमान हों। मकर राशि उन जातकों की होती है जिनका जन्म के समय चंद्रमा जो है धनिष्ठा शतविघा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हो, उन जातकों की कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि के ऊपर शनि साढ़सती का कैसा प्रभाव पड़ते हैं? जो प्रारंभ के 2.5 साल होते हैं वो कुछ थोड़ी समस्याएं इसमें होती हैं, उसके बाद जो मध्य के 2.5 साल होंगे वो शुभ रहेंगे, उसमें सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, सभी कष्ट दूर होंगे। और मकर कुंभ राशि के ऊपर जो अंतिम चरण जो होता है, लास्ट के जो 2.5 साल होते हैं वो कुछ कष्टदायक माने गए हैं। तो
तो ऐसा भी कह सकते हैं कि कुंभ राशि के ऊपर आखिर के 2.5 साल जो हैं वो संघर्षदायक होते हैं, कष्टदायक होते हैं। इनमें जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि कुंडली में शनि अष्टमेश हो या अष्टम भाव में हो तो उसका शुभ फल मिलता है। यदि शनि मार्गेश हो कुंडली में तो भी शनि की सारस्वती ढैया और दशा में अशुभ फल की प्राप्ति होती है। शनि किसी अशुभ ग्रह के साथ में हो तब भी शनि का जो है अशुभ फल जातक को मिलता है। तो उस अवस्था में शनि की सारस्वती जो है बहुत अशुभ रहेगी। जिनका शनि अशुभ होगा उनको शनि की सारस्वती में शरीर पीड़ा, रोग और बहुत से रोग हो जाएंगे और दवाई नहीं लगती। कोई भी दवाई लो उसका असर नहीं होता। अक्सर जातक यह कहता है कि मुझे किसी दवाई से लाभ नहीं होता, रक्त विकार हो जाता है, खून की खराबी इसमें हो जाती है। स्त्री पशु पुत्र को कष्ट होता है और जीवन साथी को भी कष्ट की संभावना रहती है। आपस में कलह हो सकता है और जिनके गुण अच्छी तरह से नहीं मिले हैं उनका तलाक तक की भी संभावना इस समय में हो सकती है। वाहन से जातक को नुकसान हो सकता है। जातक का वाहन मशीनरी बार बार खराब हो सकती है, उसके कारण जातक का खर्चा बढ़ जाएगा और वाहन के कारण चोट का भय भी रहेगा। संतान को भी कष्ट की संभावना रहेगी। जिस समय शनि मकर राशि में प्रवेश करेंगे उस समय की अवस्था के अनुसार कुंभ राशि वालों के लिए लोहे का पाद होगा, जिसे पाया बोलते हैं, लोहे का पाया होगा और लोहे धन विनाश स्यात। जब किसी राशि के लिए शनि का पाया लोहे का होता है तो धन हानि होती है, धन का विनाश होता है, आर्थिक समस्याएं जातक के जीवन में खड़ी हो जाती हैं, कर्जा सिर चढ़ जाता है और जिनसे पैसे लेने हैं वो पैसे देने का नाम नहीं लेते और जिनको पैसे देने हैं वो बार बार परेशान करते हैं। तो ऐसा आर्थिक समस्याओं में होता है। यदि शनि कुंडली में अशुभ हो तो व्यापार में हानि का सामना करना पड़ता है, कारोबार पूरी तरह से ठप हो जाता है और किसी तरह का सरकारी जुर्माना जातक को अदा करना पड़ता है, टैक्स आदि से परेशानी होती है और कहीं धन जो है वो अटक जाता है, वापस नहीं आता, धन की समस्या इस प्रकार बढ़ जाती है। कारोबार में धोखे की संभावना रहती है, कर्जा सिर चढ़ जाता है और ऐसी स्थिति में ऐसे में कोई नया काम भी शुरू नहीं करना चाहिए। जिनका शनि अशुभ अवस्था में है और कुंभ राशि है तो उनको चाहिए कि वो अपने खर्चे देख कर करें, किसी प्रकार का लोन या कर्ज न लें और नया कार्य अगर करने जा रहे हैं तो सोच विचार कर करें और घर के ऊपर भी यदि पैसा खर्च कर रहे हैं तो सोच विचार कर उनको धन खर्च करना चाहिए। यदि कुंडली में राहु अशुभ अवस्था में हो तो ऐसे में किसी प्रकार का कारावास भी जातक को भुगतना पड़ सकता है यदि शनि के साथ साथ राहु भी कुंडली में खराब हो। आर्थिक कष्ट होते हैं, जैसे कि लोहे का पाया आपको बताया है, उसके अनुसार आर्थिक समस्याओं का सामना जातक को करना पड़ता है। शत्रुओं की संख्या जो है अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है, जातक के शत्रु बहुत हो जाते हैं, किंतु भाव में स्थित शनि की दृष्टि सप्तम भाव में शत्रुओं के ऊपर पड़ती है। इस प्रकार शत्रु कमजोर ही रहते हैं और जातक को किसी प्रकार का कष्ट नहीं दे पाते, थोड़े से प्रयास से ही शत्रु जो हैं वो हार जाते हैं।
इस प्रकार शत्रु कमजोर होते हैं। नौकरी में बड़े अधिकारी जो हैं वो जातक से खुश होते हैं, किंतु जो जातक के साथ में काम करने वाले हैं, सह कर्मचारी हैं, वो जातक के लिए कोई ना कोई समस्याएं पैदा कर देते हैं। राजनीति में ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए। भाव ये है कि राजनीतिक लोगों से ऐसे जातकों को सावधान रहना चाहिए। उनको राजनीतिज्ञों से लाभ तो होगा ही, किंतु अपमान का भी डर बना रहेगा। शनि अशुभ अवस्था में होने के कारण भाग्य कमजोर हो जाता है, आलस आ जाता है और बार बार नाकामयाबियों, असफलताओं के कारण जातक का धर्म कर्म से विश्वास भी उठ जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जब कोई ग्रह खराब होता है, अशुभ फल देना शुरू करता है, तो वो जातक की बुद्धि हर लेता है, वो विपरीत जो है डिसीजन लेता है, गलत डिसीजन लेता है, बुद्धि से विवेक से काम नहीं लेता, जिस कारण उसको समस्याओं का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक जातक की 3 प्रकार की आयु होती है, अल्पायु, मध्यम आयु और दीर्घायु। जिनकी कुंडली के अनुसार अल्पायु हो वो पहली सारस्वती में या पहली ढैया में इस संसार से विदा हो जाते हैं। जिनकी मध्यम आयु हो कुंडली के अनुसार वो दूसरी सारस्वती में अथवा दूसरी ढैया में इस संसार से विदा हो जाते हैं। जिनकी दीर्घायु हो वो तीसरी शनि की सारस्वती में या तीसरी ढैया में इस संसार से विदा हो जाते हैं। तो इस प्रकार शनि की सारस्वती जो है कष्टदायक ही होती है। यदि स्वास्थ्य की परेशानी हो, 60 साल से ऊपर की आयु हो और शनि की सारस्वती आ रही हो, तो विशेष सेहत का ध्यान अवश्य रखना चाहिए और दीर्घायु की प्राप्ति के लिए महामृत्युंजय का जप अवश्य कराना चाहिए और स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इस पहले चरण में, कुंभ राशि के पहले चरण में मिला जुला असर जातक के ऊपर होता है, मिला जुला फल उसको मिलता है, न ज्यादा नुकसान न ज्यादा लाभ। कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है जो धीरे धीरे दूर हो जाती हैं। इस समय में जातक जो है वो सत्य प्रिय हो जाता है और दूसरों से भी आशा करता है कि दूसरे भी सच बोलें। और जिनके ऊपर शनि की कुंभ राशि में ढैया चल रही होती है, ऐसे जातकों को चाहिए कि वो अपनी वाणी के ऊपर संयम रखें। वाणी के कारण ही, उसके मंदे वचनों के कारण ही, गाली गलौज के कारण ही उसको बड़े बड़े कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले ध्यान रखें, अपनी वाणी के ऊपर संयम रखें, किसी को मंदा न बोलें, हमेशा मीठा बोलें और मुस्कुराकर बात करें। इस चरण के दौरान, पहले चरण के दौरान कुंभ राशि वाले जातकों को चाहिए कि वो अपना खान पान ठीक रखें, नियमित रूप से भोजन करें, समय पर भोजन करें और बाजार की चीजों से परहेज करें, जिस कारण बाजार की चीजों और असंतुलित भोजन के कारण जातक को अपच रोग हो जाता है, भोजन अच्छी तरह से नहीं पचता, जिस कारण पेट रोग की समस्या जातक को हो सकती है। यदि कुंडली में शनि शुभ हो तो ऐसी स्थिति में पहले चरण में जातक को व्यापार से लाभ होता है, धन लाभ भी जातक को होता है। ऐसे में जातक को कुछ सावधानियों का भी ध्यान रखना चाहिए कि अपनी योजनाएं अपने तक सीमित रखें, किसी को न बताएं, क्योंकि इससे जातक को नुकसान हो सकता है। अपनी गुप्त बातें किसी को न बताएं, अपने रहस्य जो हैं, राज जो हैं, वो किसी के साथ शेयर न करें,
नहीं तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा और दूसरे लोग इसका लाभ उठाएंगे। आयु 60 वर्ष से अधिक हो तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और जिन जातकों की आयु 35 से 45 वर्ष के मध्य में हो उनको कारोबार में उन्नति होगी, धन लाभ होगा और व्यापार में भी उन्नति होगी। परंतु ध्यान दें कि शनि किसी अनिष्ट भाव में न हो, अशुभ अवस्था में न हो। अब कुंभ राशि वालों के ऊपर शनि की ढैया, शनि की सारस्वती आ रही है, तो इसलिए ध्यान रखें कि कर्ज लेना है तो सोच समझ कर लें, लोन लेना है तो सोच समझ के लें, अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर राय करें, विचार मशवरा करके ही कोई कदम उठाएं। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों को कौन से उपाय इस दौरान करने चाहिए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय इस पवित्र मंत्र का जप करें। एक माला जप करने के पश्चात शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं, भगवान शिव से प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें। इस प्रकार ये नियम बनाएं, प्रतिदिन करें या हफ्ते में एक बार करें, जिससे जातक का कल्याण होगा और कष्टों से निवृत्ति होगी। भोलेनाथ की कृपा से सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। नीलम धारण करना चाहिए या नीलम का उपरत्न जातक को धारण करना चाहिए। बादाम, कुछ बादाम लें और 2 सूखे नारियल जल में प्रवाह करने चाहिए शनिवार के दिन, क्योंकि जातक जो है मुश्किलों से गुजर रहा होता है। तो ऐसे में सबसे विशेष बात ध्यान रखें कि धैर्य धारण करें। शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में वही सुखी रहता है जो धैर्य धारण करता है, इसलिए धैर्य धारण करें। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, किसी तरह से परेशानी न लें। शांत रहें, चित्त को शांत रखें, क्रोध न करें। और ऐसे समय में जातक को चाहिए वो एकांत में न रहें, अपने परिवार के साथ रहें, मित्रों के साथ रहें। एकांत में रहने से बुरे विचार मन में आएंगे, जातक जो है नशा आदि की तरफ बढ़ सकता है, और भी बुराइयां जो हैं एकांत के कारण पैदा होती हैं। तो अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहें, मित्रों के साथ मिलजुल कर रहें, जिससे बुरी दशा का सामना जातक को नहीं करना पड़ेगा। और जातक को चाहिए कि वह सूर्य उदय से पहले उठें। शास्त्रों में कहा गया है जो सूर्य उदय से पहले उठता है उसका शनि जो है कुंडली में शुभ होता है, तरक्की देने वाला होता है, लाभ देने वाला होता है। इसलिए प्रयास करें कि प्रतिदिन सूर्य उदय से पहले उठें और नित्य क्रियाएं करके भगवान की उपासना करें, शुभ कार्य करें। शनिवार के दिन किसी प्रकार की यात्रा करना अशुभ होता है, और यात्रा करके वापस घर में आना इसे शुभ माना गया है, और यात्रा करने से मंदा फल मिलता है और यात्रा करके घर लौटने से शनिवार को शुभ फल जो है जातक को मिलता है। दीर्घायु की प्राप्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए और शनिदेव की प्रसन्नता के लिए शनिवार, बुधवार, सोमवार को शरीर के ऊपर तेल की मालिश करनी चाहिए। सरसों का तेल अथवा तिल का तेल या नारियल का तेल भी उपयोग किया जा सकता है। शरीर के ऊपर मालिश करने से शनि देवता प्रसन्न होते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। यदि मानसिक परेशानी रहती हो तो ऐसी स्थिति में नारियल के तेल में कुछ कपूर का पाउडर डालकर उसको सिर के ऊपर लगाने से मानसिक परेशानी दूर होती है, कुछ शांति अनुभव होती है। मांस मदिरा का सेवन जातक को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए।
शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्राम सह शनि नमः, इसका 23,000 जप करवाकर हवन करना चाहिए, जिससे शनि देवता प्रसन्न होते हैं। शनिवार की कथा सुननी चाहिए, शनि देव की कथा प्रत्येक शनिवार को सुननी चाहिए, जिससे शनि देवता प्रसन्न होते हैं, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शनिवार को अथवा अपने जन्म नक्षत्र के दिन तुला दान करना चाहिए, सतनाजा दान करना चाहिए। तुला दान का मतलब है कि अपने वजन के बराबर 7 प्रकार का अनाज दान करना, इसे तुला दान कहा जाता है। तो शनिवार के दिन या अपने जन्म नक्षत्र के दिन 7 प्रकार का अनाज अपने वजन के बराबर दान करना चाहिए। तुला दान करें, सतनाजा दान करें और कांस्य पात्र में कुछ तेल या घी डालकर उसमें अपना मुख देखकर कांस्य पात्र जो है वो दान करना चाहिए। इससे भी शनि की शुभता प्राप्त होती है। शनि की वस्तुओं का दान करें। यदि कुंडली में शनि उच्च का नहीं है तो शनि की वस्तुओं का दान करें। शनि की वस्तुएं हैं जैसे लोहे का कोई तवा, कोई चिमटा, कोई लोहे का औजार, उसको दान करना चाहिए। काला कपड़ा दान कर सकते हैं, काले माह दान कर सकते हैं, कुल्थी, सरसों का तेल, नीलम, कस्तूरी, काला फूल, बादाम, काली भैंस और काले जूते, ये सब शनि की वस्तुओं में आते हैं। इनका दान करना भी शुभ रहता है। उड़द के लड्डू शनि देव को बहुत प्रिय हैं। उड़द के लड्डू बनाकर शनिवार को शनि देव को भोग लगाना चाहिए, इससे शनि देव प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार को रुद्राभिषेक करना चाहिए और यदि समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं तो महामृत्युंजय का जप करके भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहिए। हनुमान मंदिर में, शिव मंदिर में या पीपल के नीचे शनिवार के दिन तेल का दीपक जलाना चाहिए, जिससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनिदेव के दर्शन करें, क्षमा प्रार्थना करें, इससे भी कष्टों की निवृत्ति होगी। शनिवार को शनि मंदिर में जाएं, शनिदेव के दर्शन अवश्य करें। शमी जो है शनिदेव को प्रिय है, शमी का वृक्ष लगाएं, शमी का पूजन करें और शमी के पत्ते जो हैं शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं, जिससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पीपल का वृक्ष भी लगाना चाहिए, इससे भी शुभ फल जातक को प्राप्त होते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। शनिदेव आप सभी का कल्याण करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।